इंडिया ने एशियन गेम्स डे 4 की शुरुआत काफी शानदार तरीके से की है। इंडिया की एस विमेन शूटर्स मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने इंडिया को 25 मीटर पिस्टल शूटिंग इवेंट में गोल्ड पर कब्जा दिला दिया और इसी के साथ इंडिया ने एशियन गेम्स 2023 का अपना 4th गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। इंडिया फिनिश्ड एट द टॉप बाय द वर्च्यू ऑफ 3-point लीड ओवर चाइना। मनु, रिदम और ईशा जो कि शानदार लय में स्टार्टिंग से ही नजर आ रही थी, क्वालिफिकेशन में भी कल के जो इंडिविजुअल इवेंट हुए थे, रिदम को छोड़कर मनु और ईशा ने टॉप लेवल पर क्वालिफाई किया था। उन्होंने इस गोल्ड मेडल मैच में 1759 के टोटल स्कोर के साथ चाइना को पीछे छोड़ते हुए इंडिया की मेडल टैली को कर दिया है रेस। अब जहां टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं ने गोल्ड दिलवाया था, तो अब इनसे इंडिविजुअल इवेंट में भी गोल्ड की उम्मीद काफी बढ़ गई है। मनु भाकर की बात की जाए, क्वालिफिकेशन राउंड जो कि कल हुआ था 590/28x के स्कोर के साथ टॉप स्पॉट अक्वायर किया था। वहीं ईशा ने 586/17x के स्कोर के साथ मेडल मैच के लिए जगह बना ली थी। वहीं रिदम सांगवान एकमात्र ऐसी खिलाड़ी थी इंडियन टीम में जो कि 11th पोजीशन पर फिनिश किया था, जो कि क्वालिफिकेशन के लिए काफी नहीं था। तो अब इंडिविजुअल इवेंट में मनु भाकर और ईशा से दो और मेडल लाने की दरकार तो रहने वाली है।